स्टडी आई क्यू IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। A new day and we are back with another set of theories. In continuation of the series we are handling right now, that is anthropological theories. We are going to have a discussion on somebody else, some new scholar, some new works. But before moving on to that, सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीजें लास्ट लेक्चर में भी हमने बताई हुई थी, फिर से एक बार याद दिला सकते हैं हम लोग। जो अलग अलग पीपीटीज हम यहाँ पे यूज करते हैं और जो मटेरियल ड्यूरिंग दी लाइव क्लासेस ऑल्सो यूज कर रहे होंगे, अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, न्यूज है, पोस्ट हैं अलग अलग रिलेटेड, जस्ट नॉट रिलेटेड टू दी एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट बट ऑल्सो अदर सब्जेक्ट्स इन दी यूपीएससी डोमेन। तो वो सारी हम इन दो प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, इन दो वेन्यूज, इन दो स्पेसेस के थ्रू वहाँ पे शेयर करने वाले हैं। ये सारी की सारी पीपीटीज पीडीएफ्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। आप डाल सकते हो, दोनों जगह सेम ही नेम है, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे द सेपियंस वर्ल्ड, आप दोनों को सर्च कर सकते हो इन द सर्च सेगमेंट और दोनों आ जाएंगे, आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। नाउ नॉट वेस्टिंग एनी अदर टाइम ऑफ आस, हम लोग आज के टॉपिक पहुँचते हैं। जो हम बात करने वाले हैं वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट आप कह सकते हो, एक प्रोमिनेंट इन द सेम स्कूल वी वर कंटिन्यूइंग, दैट इज व्हाट क्लासिकल इवोल्यूशनरी स्कूल। इसके अंदर हमने बात की थी पुराने लेक्चर्स में ईबी टाइलर की और उनके एक स्टूडेंट जिनका नाम था आरआर मैरेट। अब यहाँ पे सेम स्कूल में एक तीसरे स्कॉलर भी आते हैं जिनको हम कहते हैं हेनरी मेन। ये इनका पूरा नाम नहीं है, भी पूरा नाम देखेंगे हम, हेनरी मेन इसको बोलते हैं, कई लोग इसको मैंने या फिर कुछ और प्रोनाउंस कर सकते हैं। अगर आपको वैसे नहीं करना है, इट्स नॉट सलमान खान मूवी अपरेंटली, मैंने प्यार किया, दैट वाज अ बिग हिट इन 90s, तो आप इसको मेन कह के बोलेंगे। और जैसे कि हमने देखा था ईबी टाइलर के लिए एक टर्म यूज होता है एंथ्रोपोलॉजी में, अगर आपको याद हो तो, कि उनको फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी या फिर फादर ऑफ कंटेम्प्रेरी एथनोलॉजी या फिर मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी कह के डेजिग्नेट किया जाता है अलग अलग जगह पे, अलग अलग सोर्सेज में। वैसे सिमिलरली इनके लिए भी एक टर्म है, अलग से इनको रेफर करने के लिए यूज करते हैं, दैट इज फादर ऑफ लीगल एंथ्रोपोलॉजी। सम प्लेसेस अलग अलग जगह पे इनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ लॉ के जो टर्म है, जो टैग है, उसके साथ भी डेजिग्नेट आपको करते हुए देखने को मिल जाएगा। सो यू कैन यूज ऑल दिस इफ द आंसर इज आस्किंग यू। ऐसे अभी तक तो मेन के बारे में अलग से उनके वर्क के बारे में नहीं पूछा है, बट फॉर सम डे अगर कंट्रीब्यूशन या रोल पूछ लेता है, या फिर अगर आपको इनका रेफरेंस देना है अंडर दी हेडिंग, अंडर द क्वेश्चन विच इज कंसर्न विद द क्लासिकल इवोल्यूशनरी स्कूल, तो आप मेंशन कर सकते हो इनको, इंट्रोड्यूस कर सकते हो इनको एज अ फादर ऑफ लीगल एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी ऑफ लॉ करके। ये भी एक ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, ऑल्दो लाइक मोस्ट ऑफ द अदर एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये बाय बर्थ ब्रिटिश आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये इंग्लैंड में नहीं पैदा हुए थे, स्कॉटलैंड में आपको देखने को इनका जन्म जो है स्कॉटलैंड में होता है। और बाय एज अगर आप बात करो, फादर इस स्कूल का जो सबसे प्रोमिनेंट फिगर हम बात कर रहे थे वो कौन है, ईबी टाइलर है। पर अगर आप एज वाइज बात करोगे तो नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखते हो इनका जो बर्थ है वो उनसे ऑलमोस्ट 10 साल पहले आपको देखने को मिल रहा है। ईबी टाइलर आई थिंक, आप एक बार वापस से क्रॉस चेक कर लेना, आई थिंक 1832 में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन उनका जो बर्थ था वो हुआ था। यहाँ पे उससे 10 साल पहले, एक डेकेड पहले 1822 में इनका बर्थ आपको देखने को मिलता है। और कहाँ पे, स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड में इनकी जन्म होता है। तो एक बायोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट में हम यहाँ पे ब्रीफ में डील करेंगे इनके बारे में, जो अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो बाय ट्रेनिंग, बाय एजुकेशन, बहुत सारे लोग आपको एंथ्रोपोलॉजी में ऐसे देखने को मिलते हैं जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, जो यूजुअली एंथ्रोपोलॉजी के साथ कंसर्न नहीं होते, या फिर उनका जो एजुकेशन या ट्रेनिंग एट द फॉर्मल, एट द बेसिक लेवल, एलिमेंट्री लेवल पे जो उनकी एक तरीके से शिक्षा होती है वो एंथ्रोपोलॉजी या फिर जिसको आप मानव विज्ञान या मानव शास्त्र कहते हो उसमें आपको देखने को नहीं मिलती है। कोई बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे जो इकोनॉमिस्ट थे, दे टर्न इनटू एंथ्रोपोलॉजिस्ट, कई लोग सोशियोलॉजिस्ट का तो फिर भी समझ में आता है बिकॉज देयर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ, वास्ट अमाउंट ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। ऑल्दो डिफरेंसेस भी हैं, डिस्टिंक्शंस भी हैं, अलग अलग कुछ ऐसी चीजें हैं जो सोशियोलॉजी डील करती है, एंथ्रोपोलॉजी आपको डील करते हुए नहीं मिलेगी, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो एंथ्रोपोलॉजी कवर कर रही होती है वो आपको सोशियोलॉजी के डोमेन में डील करते हुए नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन इसको छोड़ के ये दोनों तो सिमिलर है। इकोनॉमिस्ट आपको कई सारे देखने को मिलेंगे जिनकी ट्रेनिंग, इकोनॉमिस्ट नहीं कह सकते आप, उनकी ट्रेनिंग, उनकी एजुकेशन जो है, उनकी डिग्रीज जो है वो इकोनॉमिक्स में थी और वो अंत में एंथ्रोपोलॉजी में उनका कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिल रहा है। कई सारे लिंग्विस्ट आपको देखने को मिलेंगे, जब हम लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में लेक्चर्स डील कर रहे होंगे तो आपको कई सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। और बहुत सारे आपको लॉयर्स देखने को मिलेंगे। उस समय ये लॉ की जो डिग्री है बहुत फेमस होती है, आप भी देख सकते हो कि जो हमारे इवन इंडिपेंडेंट इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल हमारी चल रही थी इंडिपेंडेंस की, उसमें कई सारे ऐसे एक्टिविस्ट थे, है ना, फ्रीडम फाइटर्स थे, नेशनलिज्म के हीरोज जो, जैसे आपके MK गांधी हो गए, या फिर आप जवाहरलाल नेहरू जी की बात कर लो, सरदार पटेल की बात कर लो, ये सब के सब बाय प्रोफेशन या फिर बाय डिग्री जो है, बाय एजुकेशन, बाय ट्रेनिंग लॉयर्स हुआ करते थे, एडवोकेट्स हुआ करते थे, वो भी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, बैरिस्ट्रेट की डिग्रीज लेके ये लोग जो एज अ प्रैक्टिशनर हुआ करते थे उसमें, इन द फील्ड, इन द डोमेन ऑफ द लीगल ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है कि इनकी जो ट्रेनिंग है वो एंथ्रोपोलॉजी में सेपरेटली नहीं थी, अलग से नहीं थी, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वाज इन अ लाइक अ वेरी लाइट फेज, है ना, इस समय पूरी तरीके से प्रोमिनेंस में आया नहीं था, सेपरेट डिसिप्लिन नहीं था। ईबी टाइलर के जो वर्क्स हैं वो जब पब्लिश होना शुरू हो गए, और 1832 में आप कहते हो कि उनका बर्थ हुआ है, जब अराउंड 1860s के आसपास कई सारे वर्क्स आने लगे, है ना, दैट वाज सोलली रिलेटिंग टू एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज, जो उनकी क्लासिकल एवोल्यूशन की थ्योरीज हैं। इन लोग के भी वर्क जो आपको देखने को मिलेगा, चाहे आप इनका एंशियंट लॉ कह लो, या फिर इनके बाद भी नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे मैक्लेनन के बारे में, उनके जो वर्क है सारे के सारे, हर्बर्ट स्पेंसर के आपको जो वर्क देखने को मिल रहे हैं, ये सब 60s में आपको बहुत प्रोमिनेंटली आने को देखने को, पब्लिश होते हुए देखने को मिलते हैं। तो उस समय तो काफ़ी सारी चीज़ें आ रही थी, पर जब तक इनकी पढ़ाई हो रही थी, जब तक इन लोग की ट्रेनिंग हो रही थी, जो फोर फादर्स हैं एक तरीके से एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में, तब तक एंथ्रोपोलॉजी एज अ प्रोमिनेंट सेपरेट डिसिप्लिन की तरह एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। इसीलिए इन लोग का जो आप देख रहे हो कि ट्रेनिंग जो है इस समय के फेज में जो भी स्कॉलर्स आ रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग किसी और डिसिप्लिन में यूजुअली आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे आप रिमार्क, अगर बायोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट में देखो तो रिमार्केबल है कि ये एज अ लॉयर इनकी ट्रेनिंग जो है, एजुकेशन है, वो आपको देखने को मिलती है। इनको दो टर्म जो हमने स्टार्टिंग में भी आपसे डिस्कस किए, वो भी उसके साथ भी इनको टैग किया जाता है, जो कि क्या है, फादर या फिर फोर फादर ऑफ लीगल एंथ्रोपोलॉजी, या फिर आप कह सकते हो सोशियोलॉजी ऑफ लॉ। तो ये आप आंसर में मेंशन कर सकते हो अगर आप इनके बारे में बता रहे हो कभी किसी जगह पे आपकी रिक्वायरमेंट है तो। नेक्स्ट चीज़ आप बात करते हो कि इनको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी, इनका इंडिया में भी आए थे, हम देखेंगे वो बाद में, लेकिन इनको इंडिया का जो आप जानते हो काउंसिल्स उस समय बनती थी, ब्रिटिश पूरा एम्पायर जब था, जब आप देख रहे हो अलग अलग आपके चार्टर एक्ट्स आ रहे थे, अलग अलग आपके प्रोविजंस आ रहे थे, आपने पॉलिटी की क्लास में ये सब जीएस में पढ़ा होगा, तो उसमें इनको भी काउंसिल के अंदर में जो ब्रिटिश मेंबर्स होते थे उसमें से एक सीट जो थी उनके लिए, नॉन इंडियन सीट जो थी वो इनको ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने उस समय डिनाई कर दिया था। उस समय कुछ इशूज़ दिए थे, कुछ रीजंस दिए थे जो बेसिकली वर पर्टेनिंग टू दी हेल्थ इशूज़, की कुछ हेल्थ में प्रॉब्लम है, वो बहाना थे या फिर बहाना नहीं थे, ये तो यही अच्छे से बता पाएंगे, इनकी एक्सपर्टीज़ है उसमें, क्यों इन्होंने ऐसा कहा, उसके पीछे का रेशनल ये तो खुद इस्टेब्लिश कर पाएंगे। लेकिन बाद में इंटरेस्टिंग है कि इनका जो झुकाव है वो प्रिमिटिव लॉ है ना, एंशिएंट सोसाइटीज़ के बीच में जो लॉ आपको देखने को मिलता है उसमें काफ़ी ज़्यादा इनका रुझान आने लगा। तो ये इंडिया आए थे वर्क करने के लिए, किस चीज़ पे, इंडिया में जो सोसाइटीज़ हैं, प्रिमिटिव सोसाइटीज़ हैं, उनके अंदर में एक तरीके से लीगल फ्रेमवर्क को उसको समझने, और किस तरीके से लॉ की प्रैक्टिस आपको प्रिमिटिव सोसाइटी में देखने को मिलती है, या फिर ट्रेसेस थ्रू वेरियस स्क्रिप्चर्स जो आपके एंशिएंट सोसाइटीज़ में आपको देखने को मिल रहा था, तो वो सारी चीज़ें करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंगली आप देख रहे हो कि हम लोग साइमन गो बैक और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। जस्ट आपका 1857 की रिवोल्ट हुई, उससे जस्ट एक डेकेड बाद, कुछ 12-14 साल के अंतराल पे आपको देखने को मिलता है, साइमन बैक से तो काफ़ी ज़्यादा पहले, 1 सदी पहले कह सकते हो आप ऑलमोस्ट। लेकिन जब आपका रिवोल्ट ख़त्म हुआ उससे थोड़े ही समय बाद, जब कैलकाटा यूनिवर्सिटी की आपने देखा होगा कि वाइस चांसलर की पोस्ट, आपको पता होगी जो भी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर्स होते हैं, तो उन्होंने एक इंपॉर्टेंट, इनका था कि इंपॉर्टेंट फीचर ये है इनकी बायोग्राफी में कि ये कैलकाटा यूनिवर्सिटी में भी एज अ वाइस चांसलर इन्होंने वर्क किया है, कितने या लगभग इनका जो 4 साल का टाइम पीरियड है वहाँ पे इन्होंने वाइस चांसलर सर्व किया हुआ है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एक चीज़ आपको देखने को यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, ये जो चीज़ है इनका टेन्योर जो है ये थोड़ा डिबेटेड है, कई सारी बुक देखोगे प्रॉमिनेंट जो काफ़ी सारे लोग रिफर करते हैं एज अ मटेरियल फॉर एंथ्रोपोलॉजी, उसमें ये ईयर आई थिंक 1869 दिया हुआ है, पर एज फार एज आई नो, जो मैंने जहाँ से देखा है, बहुत सारे सोर्सेज में आप देखोगे, वेरीफाई करोगे इसको, तो ये चौथे नंबर पे आए हुए थे। ठीक है, फोर्थ वाइस चांसलर आपको देखने को मिलते हैं, और ये 63 का इनका टाइम फ्रेम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट थिंग व्हाट वी कैन डू इज, यहाँ पे आप बता सकते हो कि इनके जो वर्क्स हैं जिसको आप करोगे, 4 से 5 इनके मेजर पब्लिकेशन है, पर वो आपको सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेन, टाइलर या फिर मॉर्गन या फिर फ्रेजर जितने प्रोमिनेंट एक तरीके से स्कॉलर नहीं है एंथ्रोपोलॉजी के डोमेन में, इसलिए अगर आप इनके यूपीएससी पर्सपेक्टिव से सिर्फ 2 वर्क याद रखते हो विद ईयर, तो वो भी आपके लिए सफिशिएंट है। उसमें से जो सबसे पाइनियरिंग वर्क है, जो क्लासिकल वर्क है, वो आपको क्या देखना है, एंशिएंट लॉ का, विच वाज पब्लिश्ड इन 1861। यहाँ पे हमने बात की ना कि 60 के आसपास, 60s के आसपास पब्लिकेशन बहुत तेजी से आने लगे, है ना। आप देखते हो टाइलर ने भी जो उनका पब्लिकेशन उठाओगे, लास्ट लेक्चर अगर आप वाइंड अप करके देखते हो, या फिर आपने कहीं नोट्स बनाए हो, या फिर इवन अगर आपने वो ग्रुप जो हमने बताया सेपियंस वर्ल्ड को ज्वाइन किया हुआ है टेलीग्राम पे, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो नोट्स हमने शेयर किए स्लाइड में, टाइलर का पहला वर्क भी आपको 61 में देखने को मिलता है। ठीक है, एना हुआक जिसको मैक्सिको मैक्सिकन कहते हैं। 4 साल बाद उनका दूसरा वर्क आता है 65 में, और फाइनली उनका जो सबसे क्लासिकल वर्क है प्रिमिटिव कल्चर, दैट वाज पब्लिश इन विच ईयर, 1871। तो उसी टाइम फ्रेम में, क्योंकि ये बाय एज टाइलर से काफ़ी 1 दशक पहले के टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं, है ना, तो ये 1861 में इनका वर्क जो है वो पब्लिश हो जाता है। मेन वर्क जो है एंशिएंट लॉ इनका, ये सबसे फेमस सेलिब्रेटेड वर्क है इनका। कोई वर्क इनका कोट करो ना करो, आपको एंशिएंट लॉ को जरूर मेंशन करना है अगर कभी भी इनके वर्क्स को आप दिखा रहे हो, गिना रहे हो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। दूसरा इंपॉर्टेंट का है, विलेज कम्युनिटीज इन ईस्ट एंड वेस्ट आपको देखने को मिलता है, इन ईस्ट एंड वेस्ट। ये 10 साल बाद जस्ट आई थी जब उनकी टाइलर की प्रिमिटिव कल्चर बुक जो थी वो पब्लिश हो रही थी। ये उतनी मेन नहीं है, लेकिन दो मेन बुकों की अगर बात करो तो ये सेकेंडरी नंबर पे इसको आती है, इसलिए हमने उस सीक्वेंस में सीक्वेंस ऑफ प्रायोरिटी, सीक्वेंस ऑफ सिग्निफिकेंस के हिसाब से इसको यहाँ पे दूसरे नंबर पर रखा हुआ है, आपको भी इसी सीक्वेंस में रखना है। अब इनका मेजर रोल क्या है? मेजर रोल क्या हो सकता है, क्योंकि ये इवोल्यूशनरी स्कूल में, ठीक है, तो किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन का, किसी ना किसी फिनोमेना का इन्होंने इवोल्यूशनिज्म एक एक्सप्लेन किया होगा। यानी कि जो हमने बताया था इवोल्यूशनिज्म क्या बताता है, एक सिंगल डायरेक्शन में, जब आप यूनिलीनियर क्लासिकल इवोल्यूशन की बात कर रहे हो तो किसी एक डायरेक्शन में पॉइंट ए टू पॉइंट बी टू पॉइंट सी अलग अलग कल्चरल प्रोसेसेस या फिर कोई इंस्टीट्यूशन का प्रोग्रेशन आपको देखने को मिल रहा होगा, फॉरवर्ड जर्नी आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, जिसको आप इवोल्यूशन कह के बात कर रहे हो। तो सेम चीज वो यहाँ पे कह रहे थे, लेकिन वो किस चीज के रिस्पेक्ट में कह रहे थे, वो यहाँ पे फैमिली सिस्टम की बात कर रहे थे। फैमिली सिस्टम का जो डेवलपमेंट है, अलग अलग फैमिलीज के टाइप आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, उसका ये डेवलपमेंट बता रहे थे। जैसे मैरिज का भी, अभी मैकलेनन की बात करोगे तो वहाँ पे उन्होंने मैरिज का इवोल्यूशनरी सिस्टम दिया हुआ है, टाइलर की बात करोगे तो उन्होंने सोसाइटीज का जो बताया हुआ था, मॉर्गन ने भी बताया, उन्होंने भी बताया क्या है, सेवेजरी से आप जाते हो बारबरिज्म पे, और बारबरिज्म से फाइनली आप सिविलाइजेशन पे जाते हो। कल्चर का भी उन्होंने प्रोग्रेशन बताया, कल्चर का टाइलर ने क्या बताया हुआ, एनिमिज्म पे जाते हो आप, पॉलीथिज्म पे जाते हो, और फाइनली आप कहाँ पहुंचते हो, मोनोथिज्म पे पहुंचते हो। तो सिमिलरली इन दैट सिमिलर फैशन इन्होंने किसका बताया हुआ, इन्होंने फैमिली के साथ इवोल्यूशनरी पैटर्न को समझाया हुआ है। अब उसको बताने में खास बात एक क्या रही है इनके इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव में, कि इन्होंने ये पूरा इवोल्यूशनरी जो इनका सेटअप है, जो इनका वक्तव्य आप कह सकते हो, इनका व्यूज जो है, जिस कंक्लूजन पे आते हैं, वो बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी है बाकी एंथ्रोपोलॉजिस्ट के वर्क से। आपको देखने को मिलता है हर सोसाइटी में, हर रिसर्चर्स में, आपको इवन आप सोशियोलॉजी में भी जाते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि लोग कह रहे हैं कि इवोल्यूशन का जो फेज है उसमें आपको मैट्रिलिनी जो है, यहाँ पे कोई स्पेस खाली है, यहाँ पे लिख सकते हैं मैट्रिलिनी जो है अगर कोई हिंदी उसमें से देख रहा है तो आप इसको समझ सकते हो, मातृवंशीय जिसको आप कहते हो, है ना, इन द मदर लाइन आप कह सकते हो। जैसे एंसेस्ट्री आपकी ट्रेस होती है, जो गोत्र का सिस्टम है या फिर प्रवर का सिस्टम है, कोई भी चीज आप देखते हो तो वो लाइन बाय लाइन, जनरेशन बाय जनरेशन ट्रेस होता हो रहा था। एंसेस्टर उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर, ग्रैंडफादर, फादर, उनके फादर, उनके, तो इस तरीके से हो रहा होता है। मदर के साइड में आप गिनते हो, ठीक है, तो वो है कि वो किसकी लाइन में ट्रेस होगा, मैट्रिलिनी। इंग्लिश में भी आप समझ सकते हो कि लीनियर का मतलब है लाइन, किसकी लाइन में। ऐसे आप फैमिली ट्रीज बनाते हो तो किसकी लाइन में ट्रेसिंग हो रही है, ये यूजुअली किस लिए होती है, इनहेरिटेंस के लिए। अगर आपको देखना होता है कि कोई भी चीज़ है, वो मटेरियल हो, इमटेरियल हो, वेल्थ हो या फिर स्टेटस हो या कोई भी चीज़ हो, वो किसकी लाइन में ट्रेस होगी, कहाँ से किसके पास जाएगी, है ना। तो उसके लिए आप एक तरीके से लीनियर वाला जो सिस्टम होता है उसको चला रहे होते हो। तो सबका मानना है, बहुत सारे रिसर्चर्स हैं, जैसे आप मॉर्गन का बात कर लो, मैकलेनन का बात कर लो, टाइलर की बात कर लो, सारे के सारे, बेकॉफिन की बात कर सकते हो आप, ये सब क्या कह रहे थे, ये लोग कह रहे हैं कि मैट्रिलिनी पहले आई सोसाइटी में। आज के समय में क्या है, आज के समय में पैट्रिलिनी, आप अपना नाम ट्रेस करते हो, जो सरनेम है आपको देखने को मिलता है मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में अक्रॉस इंडिया, स्पेशली इन द हिंदू सोसाइटी। आपको क्या देखने को मिलता है कि फादर के साइड से ट्रेस होता है आपको जो सरनेम होगा, है ना। और यहाँ पे आपको ये लोग क्या कह रहे हैं कि पहले ऐसा नहीं होता था, पहले के टाइम में क्या था, मैट्रिलिनियल सोसाइटी होती थी, जो ट्रेसिंग होती थी, इनहेरिटेंस होती थी, सरनेम और बाकी सारी चीज जो एक तरीके से नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो रही है वो मदर्स की लाइन से होती थी। फादर लाइन में जो पैट्रिलिनियल सेटअप है ये बाद में आया था। लेकिन वेरी स्पेशल थिंग अबाउट मेन वॉज, इनका पूरा नाम आप यहाँ पे लिखा हुआ देखे हो, जेम्स समर मेन है, हेनरी जेम्स समर मेन, पूरा नहीं लिखना, आप हेनरी मेन भी लिख सकते हो। तो इनका सबसे जो हाईलाइटेड पॉइंट था वो था कि इन्होंने इसका जस्ट उल्टा बताया। इन्होंने कहा भैया सबसे पहले पेट्रिलिनियल फैमिलीज आई, जो फैमिली का स्ट्रक्चर हुआ करता था सोसाइटी में वो कैसा था, वो पेट्रिलिनियल था, मैट्रिलिनियल नहीं था। अब इसको बताएंगे तो भाई बिल्कुल अलग बात कर रहे हैं दूसरों से, तो उसके पीछे उनको कोई तर्क देना होगा, ठीक है। तो उस तर्क को देने के लिए इन्होंने क्या किया, पुराने समाज, पास्ट और प्रेजेंट के बीच में एक एनालॉजी कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की। उसको करने के लिए कौन सा मेथड उन्होंने चुना, रिकंस्ट्रक्शन का, है ना। हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था, आप जाके एक बार देख सकते हो पुराने वीडियो में। रिकंस्ट्रक्शन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल जो इवोल्यूशन स्कूल वाले स्कॉलर्स जो यूज कर रहे थे वो क्या था, वो भी हमने आपको बताया था, दैट वाज सर्वाइवल। सर्वाइवल जो है टाइलर ने बहुत अच्छे से यूज किया था, लेकिन दिया किसने था, एडोल्फ बेस्टियन, जो कि जर्मन एथनोलॉजिस्ट थे, उनका एक कॉन्सेप्ट था। तो ये लोग रिकंस्ट्रक्शन के लिए इस चीज को करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन इन पास्ट, पास्ट की सोसाइटीज या फिर पास्ट का कल्चर जो है उसके साथ आप कंपेयर कर रहे हो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी या कंटेम्प्रेरी सोसाइटी की जो चीजें हैं उन दोनों को आप एक तरीके से तराजू पर रख के दोनों की चीजों को, दोनों के फीचर्स को आप एनालाइज कर रहे हो, ठीक है, स्कैन फॉर्म में कर रहे हो। तो इन्होंने क्या किया, अब कैसे पता करोगे, पुराने समय में अगर आपको सबसे पुराने लॉज जानने, सबसे पुराना फैमिली सिस्टम जानना है तो उस समय, तो वो समय तो ऐसा होगा जब राइटिंग भी डेवलप नहीं होगी, राइटिंग का जो इन्वेंशन है वो भी नहीं हुआ होगा, है ना। यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक, और प्रोटो हिस्टोरिक से भी पहले आप जाओगे कौन सा समय आ जाएगा आपका, प्री हिस्टोरिक सोसाइटीज होंगी। तो प्री हिस्टोरिक सोसाइटीज का फीचर जानने के लिए कैसे जान सकते हैं, तो वो आप जान सकते हो स्टोरीज में, नैरेटिव्स में, मिथ्स में, अलग अलग जो आप देखते हो समाज में चल रहे हैं उन सब चीज़ों के थ्रू आप जान सकते हो जो चलती आई है, एक ओरल ट्रेडिशन के फॉर्म में भी आई हैं। तो इन्होंने क्या किया, इनका जो एक्सपर्टीज थी बहुत ज़्यादा, जो हमने बात किया कि लॉयर भी थे, रोमन लॉ में इनकी काफ़ी एक्सपर्टीज थी, है ना। यहाँ पे आपके नोट्स में इसमें यहाँ पे दिया होगा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इनकी जो एक्सपर्टीज थी वो किसमें थी, रोमन लॉ के अंदर था। रोमन लॉ का इन्होंने एक तरीके से पूरा यूज किया किस चीज़ के लिए, रिकन्स्ट्रक्शन के लिए, और रिकन्स्ट्रक्शन कैसे, जो हमने बात कही सर्वाइवल के थ्रू। तो इन्होंने रोमन लॉ को जब एक तरीके से आप देखते हैं और प्रेजेंट और पास की कम्युनिटीज को कंपेयर करते हैं, तो इन्हें क्या देखने को मिलता है सोसाइटी में, किस एक बहुत ही अजीब सा ट्रेड देखने को मिलता है कि उस समय जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं या फिर जो नरेटिव्स हैं उस समय का जो ट्रेंड है, उस समय इनको देखने को मिलता है कि वहाँ पे पेट्रिया वाला सिस्टम है। पेट्रिया का क्या मतलब होता है कि जो फादर है ना, जो मेल मेंबर है, उसकी एक तरीके से डोमिनेंट पोजिशन है फैमिली के अंदर में, ठीक है। सोसाइटी में फैमिली के अंदर मेल इंसान जो है उसकी एक डोमिनेंट पोजीशन है, एक अथॉरिटेरियन पोजीशन है, ठीक है, उसकी अथॉरिटी ज़्यादा है और वो बाकी सारे लोगों का निर्णय, उनकी सारे लोगों की आप कह सकते हो चाल चलन, सब कुछ एक तरीके से वो गवर्न कर रहा है, सारी चीज़ें वो डिसाइड कर रहा है। और ये फैमिली के हर मेंबर पे, इवन सर्वेंट्स पे भी एप्लीकेबल है, वाइफ पे तो है ही, चिल्ड्रन पे तो है ही, साथ साथ हमने यहाँ पे शायद ऐड किया होगा सर्वेंट्स एक्सेट्रा जो दूसरे मेंबर्स हैं उनके ऊपर भी ये एप्लीकेबल होता है। वो पूरी तरीके से मेल मेंबर डोमिनेंट है, सारी चीज़ें वही डिसाइड करेगा एक तरीके से। पर आपको देखने को मिलता है ये चीज़ रोमन लॉ के अंदर इनको देखने को मिली, ठीक है, क्योंकि पेट्रिया का सिस्टम वहाँ पे दिया हुआ है। पर जिस पीरियड के वो डॉक्यूमेंट्स है ना, जिस समय इनको पता चला कि हाँ पेट्रिया का सिस्टम था, उस समय सोसाइटी में प्रैक्टिकली वो चीज़ नहीं देखने को मिलती थी। डॉक्यूमेंट में तो है, डॉक्यूमेंटेड तो है, पर सोसाइटी में प्रैक्टिकली देखने को नहीं मिल रही है। तो इसका क्या इनको मतलब समझ आया, यहाँ पे देख रहे हो कि जो पीरियड इन विच द डॉक्यूमेंटेशन एग्जिस्टेड, फादर्स डिडंट पजेस सच अथॉरिटी। जब वो डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट कर रहे थे उस समय ऐसी चीज़ सोसाइटी में नहीं थी प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड लेवल पे। तो इन्होंने क्या कंक्लूड किया कि ये उस समय तो नहीं थी, जरूर ये उससे पहले हुआ करती होगी, यानी उससे अर्लियर फेज में हुआ करती होगी। इसलिए इन्होंने इससे इस बात के कंक्लूजन पे पहुंचे कि सबसे पहले पेट्रियार्की रही होगी, जिससे बाद में रिप्लेस करके, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं तब कौन सा सिस्टम है, मेट्रियार्कल है, सॉरी मेट्रीलिनियल है, ठीक है। लेकिन डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट में लिखा है कि पेट्रीलिनियल सिस्टम है, पेट्रिया का वहाँ पे चल रहा है सब कुछ। तो उन्होंने कहा कि भाई उस समय अगर मेट्रीलिनियल सोसाइटी में था और डॉक्यूमेंट कह रहा है कि पेट्रीलिनियल है, तो इसका मतलब डॉक्यूमेंट उससे पहले समय के होंगे, और उसके पहले के समय में आपको क्या देखने को मिल रहा होगा, पेट्रीलिनियल, यानी कि जिस समय की सोसाइटी की वो बात कर रहा है। तो इससे उन्होंने कंक्लूजन पे आए कि पेट्रीलिनियल पहले आया होगा और मेट्रीलिनियल जो है फैमिली स्ट्रक्चर आप कह सकते हो, वो आपको बाद में आते हुए, उससे इवॉल्व होते हुए देखने को मिलता है। ये इनका मेन एक तरीके से थीसिस थी, मेन वर्क जो इनका था, और इसी को इन्होंने अपने उस वर्क के अंदर में जो 61 में इनका वर्क देख रहे हैं एंशिएंट लॉ वाला, उसमें इन्होंने ये बात को बता दिया था। एक और चीज़ जो ये कहते हैं, इनका एक और क्रिटिकल सजेशन जो यहाँ पे आप नोट करके लिख सकते हो, वो था हाईलाइटेड में हमने रखा है कि ये बताएं कि जो एग्जिस्टेंस है किनशिप की, वो एक तरीके से रेगुलेटरी स्ट्रक्चर के लिए है ना ऑर्गेनाइज कर रही है सोसाइटी को, उसका एक ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंस है। आप देख रहे हो कि बेसिक प्रिंसिपल है किस चीज़ के लिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रिमिटिव सोसाइटीज। अलग अलग सोसाइटीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, हमारी सोसाइटीज़ हो, अफ्रीका की सोसाइटीज़ हो, यूरोप की सोसाइटीज़ हो। वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का बेसिस क्या होगा, बेसिक प्रिंसिपल, किस सिद्धांत के अराउंड वो चीज़ जो होगी, वो सोसाइटी जो होगी ऑर्गेनाइज करी होगी। तो इनके हिसाब से प्रिमिटिव सोसाइटी में किनशिप मतलब क्या होता है, रिश्तेदारी या नातेदारी है ना, रिलेशनशिप, किनशिप का जो सिस्टम था वो एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कर रहा होता था, किसका, प्रिमिटिव सोसाइटीज़ का। एक और बात ये इसी के साथ आता है, ये कहते हैं कि आपको देखने को मिलता है पुराने समय में, इन कंट्रास्ट टू दी प्रेजेंट सोसाइटी, पुराने समय में आपको देखने को मिल रहा है कि एंशिएंट जो सोसाइटीज हैं उनके बीच में यूनिट क्या है ना, इकाई जिसको आप बोलते हो वो क्या है, वो फैमिली है। यूनिट ऑफ सोसाइटी क्या है, फैमिली है। उसी के शार्प कॉन्ट्रास्ट में आपको प्रेजेंट टाइम में क्या देखने को मिल रहा है, प्रेजेंट टाइम में जो यूनिट हो गई वो क्या हो गई है, इंडिविजुअल सेंट्रिक हो गई है। यहाँ पे आपके शायद नोट्स में दिया है कि या नहीं दिया हुआ है, आप देख लेना एक बार, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इंडिविजुअल सेंट्रिक हो चुकी है सोसाइटी। पहले क्या थी, फैमिली एज द बेसिस ऑफ यूनिट था, अब आपको क्या देखने को मिल रहा है मॉडर्न टाइम में, यहाँ पे इंडिविजुअल सेंट्रिक हो गई है। तो इनका ये इंपॉर्टेंट वर्क था, ये सारी बातें इन्होंने कही थी। बहुत बड़ा इनके बारे में यूजुअली पूछता भी नहीं है, और हमने दो बार स्ट्रेस भी किया हुआ है ड्यूरिंग दिस लेक्चर ऑल्सो कि इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन, इनका जो मेन वर्क है एंथ्रोपोलॉजी में उतना प्रोमिनेंट नहीं है इन कंपेरिजन टू ईबी टाइलर, मॉर्गन या फिर फ्रेजर इन इवोल्यूशनरी स्कूल। बाकी स्कूल में तो बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट और हैं, इवोल्यूशनिज्म में इनका इतना प्रोमिनेंट वर्क या कंट्रीब्यूशन हम लोग नहीं देखते हैं, इसलिए ज़्यादा इनके ऊपर डिस्कस करने का हमारे करना वो होगा, टाइम का वेस्टेज होगा, रिसोर्सेज पे स्पेंड करना। तो जितनी इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, बुक थी, बुक का ईयर था, बैकग्राउंड इनका था एक तरीके से, और इन्होंने जो मेजर बातें कही वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। ठीक है, लास्ट स्टेप जो हमने आपको पहले वाले लेक्चर से बताया हुआ है किस तरीके से हैंडल करते हो वो है हमेशा आपको क्रिटिसिज्म भी बताना होता है। हर इंसान का कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म है, ठीक है, हर थ्योरी का। उसी की वजह से नई थ्योरीज आ रही है, दूसरी थ्योरीज आ रही है, कोई दूसरी थ्योरी ला रहा है, दूसरा स्कूल आ रहा है, तो क्या कह रहा है कि पुराने स्कूल में कमी रह गई थी, उसने बात गलत बोली थी, इसलिए हम ये नई स्कूल या नई थ्योरीज को लेके आए हुए हैं। तो पुरानी थ्योरी जो थी, यानी कि इनकी जो थ्योरी थी, उसमें पहला ए पॉइंट जो गलत था कि इनके क्रिटिक्स कहते थे कि इन्होंने इतना एथनोग्राफिक वर्क नहीं किया था, एथनोग्राफी में इनकी उतनी नॉलेज नहीं थी, है ना, और प्रोफिशिएंसी नहीं थी, उतने ज़्यादा इनेबल्ड नहीं थे एंथ्रोग्राफिक वर्क्स में। पहला क्रिटिसिज्म ये हुआ कि उसको बिना किए, एथनोग्राफिक नॉलेज हुए बिना एंथ्रोपोलॉजी में तुम इतनी बड़ी बात कैसे कह रहे हो। दूसरी जो प्रॉब्लम थी वो भी लैक ऑफ नॉलेज था, किस चीज़ में, इनका जो पूरा फिनोमेना जो फीचर है वो पूरी तरीके से हर सोसाइटी पे आप एप्लीकेबल नहीं कर सकते हो, यूनिवर्सल इन नेचर नहीं था। और वो यूनिवर्सल इन नेचर क्यों नहीं था, क्योंकि इन्होंने एक तरीके से ह्यूमन रेसेस, है ना, या फिर रेसेस ऑफ मैनकाइंड आप कहते हो, उसके प्रति उसमें इतनी इनकी डीप नॉलेज नहीं थी, है ना। और उसके बिना ये ऐसी बात कर रहे हैं जिस चीज़ में आपकी नॉलेज नहीं है, उससे रिलेटेड अगर आप बात को कहोगे तो जाहिर सी बात है आपके क्रेडेंशियल्स जो हैं उसको क्वेश्चन किया जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी थी। ये दो इनके प्रोमिनेंट आपको क्रिटिसिज्म देखने को मिलते हैं। जब लाइव सेशन चल रहे होंगे तो ऑल्दो हम 3 से 4 या 5 इनके क्रिटिसिज्म भी आपको बताते हैं, और भी कई सारे जो पॉइंट्स हैं जिसकी अभी आपको मेन बताएं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा वीडियो स्ट्रेस हो जाएगा, 45 मिनट्स 1 आवर तक चला जाएगा, जिसका कोई मतलब नहीं है। जो मेन क्रक्स वाला पॉइंट है वो आप याद करके रखो, इन्होंने कहा क्या, कहाँ पे कहा, और उसका क्रिटिसिज्म क्या हुआ, वो आपके लिए मेन है जो आपको इसमें समझना था। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर अबाउट हेनरी जे मेन। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी टॉकिंग अबाउट अनदर एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिनका नाम है मैकलेनन। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। साइनिंग ऑफ। StudyIQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।